बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को जल्द ही त्योहारों से पहले उनका वेतन और पेंशन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 2650 करोड़ 17 लाख रुपए जारी किए हैं। यह पैसा जुलाई से सितंबर तक के वेतन और पेंशन के लिए है। अतिथि शिक्षकों को भी उनका मानदेय मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग ने फरवरी 2025 तक के वेतन और पेंशन के लिए यह राशि मंजूर की है। इससे पहले विभाग ने विश्वविद्यालयों के बजट की समीक्षा की थी और कुछ समय के लिए अनुदान रोक दिया था। इस वजह से शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अगले हफ्ते तक सभी को वेतन और पेंशन मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 2650 करोड़ 17 लाख रुपए में से 994 करोड़ 21 लाख रुपए शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए हैं, 140 करोड़ 68 लाख रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए और 1515 करोड़ 28 लाख रुपए सेवांत लाभ के लिए रखे गए हैं। सरकार के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक ने शुक्रवार को महालेखाकार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि पटना विश्वविद्यालय को 179 करोड़ 55 लाख रुपए, मगध विश्वविद्यालय को 389 करोड़ 80 लाख रुपए, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 376 करोड़ 66 लाख रुपए और जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 152 करोड़ 18 लाख रुपए मिलेंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 208 करोड़ 35 लाख रुपए, बीएन मंडल विश्वविद्यालय को 174 करोड़ 11 लाख रुपए, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 189 करोड़ 86 लाख रुपए और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 389 करोड़ 81 लाख रुपए दिए जाएंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को 195 करोड़ 21 लाख रुपए और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय को 7 करोड़ 37 लाख रुपए मिलेंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 257 करोड़ 26 लाख रुपए, पूर्णिया विश्वविद्यालय को 68 करोड़ 99 लाख रुपए और मुंगेर विश्वविद्यालय को 61 करोड़ 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के अनुदान पर रोक लगा दी थी। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था।